जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। योगिनी एकादशी का यह व्रत काफ़ी प्रचलित है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार तो तीनों लोकों में इस एकादशी को बहुत महत्व दिया गया है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार ही योगिनी एकादशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से एकादशियों के व्रत का महात्म्य सुन रहे थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि भगवान, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है और इस एकादशी का नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम योगिनी है। समस्त जगत में जो भी इस एकादशी के दिन विधिवत उपवास रखता है, प्रभु की पूजा करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वह अपने जीवन में तमाम सुख सुविधाओं, भोग विलास का आनंद लेता है और अंतकाल में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का यह उपवास तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। तब युधिष्ठिर ने कहा, प्रभु, योगिनी एकादशी के महत्व को आपके मुखारविंद से सुनकर मेरी उत्सुकता और भी बढ़ गई है। कृपया इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। अब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मश्रेष्ठ, मैं पुराणों में वर्णित एक कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनना। स्वर्गलोक की अलकापुरी नामक नगर में कुबेर नाम के राजा राज किया करते थे। वह बड़े ही नेमी धर्मी राजा और भगवान शिव के उपासक थे। आंधी आए, तूफान आए, कोई भी बाधा उन्हें भगवान शिव की पूजा करने से नहीं रोक सकती थी। भगवान शिव के पूजन के लिए उनके लिए हेम नामक एक माली फूलों की व्यवस्था करता था। वह हर रोज पूजा से पहले राजा कुबेर को फूल देकर जाया करता। हेम अपनी पत्नी विशालाक्षी से बहुत प्रेम करता था। वह बहुत सुंदर स्त्री थी। एक दिन क्या हुआ कि हेम पूजा के लिए पुष्प तो ले आया, लेकिन रास्ते में उसने सोचा, अभी पूजा में तो समय है, क्यों न घर चला जाए। उसने आते आते अपने घर की राह पकड़ ली। घर आने के बाद अपनी पत्नी को देखकर वह कामासक्त हो गया और उसके साथ रमण करने लगा। उधर पूजा का समय बीता जा रहा था और राजा कुबेर पुष्प न आने से व्याकुल हुए जा रहे थे। जब पूजा का समय बीत गया और हेम पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो राजा ने अपने सैनिकों को भेजकर उसका पता लगाने को कहा। सैनिकों ने लौटकर बता दिया कि महाराज, वह महापापी है, महाकामी है, अपनी पत्नी के साथ रमण करने में व्यस्त था। यह सुनकर तो कुबेर का गुस्सा सातवीं आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत हेम को पकड़ लाने को कहा। अब हेम कांपते हुए राजा कुबेर के सामने खड़ा था। कुबेर ने हेम को क्रोधित होते हुए कहा कि हे नीच महापापी, तुमने कामवश होकर भगवान शिव का अनादर किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। अब कुबेर के श्राप से हेम माली भूतल पर पहुँच गया और कोढ़ग्रस्त हो गया। स्वर्ग लोक में वास करते करते उसे दुखों की अनुभूति नहीं थी, लेकिन यहाँ पृथ्वी पर भूख प्यास के साथ साथ एक गंभीर बीमारी कोढ़ से उसका सामना हो रहा था। उसे उसके दुखों का कोई अंत नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन उसने भगवान शिव की पूजा भी कर रखी थी। उसके सत्कर्म ही कहिए कि वह एक दिन घूमते घूमते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। इनके आश्रम की शोभा देखते ही बनती थी। ब्रह्मा की सभा के समान ही मार्कंडेय ऋषि की सभा का नज़ारा भी था। वह उनके चरणों में गिर पड़ा
और महर्षि के पूछने पर अपनी व्यथा से उन्हें अवगत करवाया। अब ऋषि मार्कंडेय ने कहा कि तुमने मुझे सत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी होती है, इसका विधि पूर्वक व्रत यदि तुम करोगे तो तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। अब माली ने ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और उनके बताए अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार उसे अपने श्राप से छुटकारा मिला और वह फिर से अपने वास्तविक रूप में आकर अपनी स्त्री के साथ सुख से रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाकर युधिष्ठिर से कहने लगे, हे राजन, 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात जितना पुण्य मिलता है उसके समान पुण्य की प्राप्ति योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक उपवास रखने से होती है और व्रती इस लोक में सुख भोग कर उस लोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। आइए सुनते हैं एकादशी व्रत पूजा विधि। योगिनी एकादशी के उपवास की शुरुआत दसवीं तिथि की रात्रि से ही हो जाती है। व्रती को दसवीं तिथि की रात्रि से ही तामसिक भोजन का त्याग कर सादा भोजन ग्रहण करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। जमीन पर ही सोएं, प्रातःकाल उठकर नित्य कर्म से निजात पाकर स्नान आदि के पश्चात व्रत का संकल्प लें। कुंभ स्थापना कर उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रख उनकी पूजा करें। भगवान नारायण की मूर्ति को स्नान आदि करवाकर भोग लगाएं। पुष्प धूप दीप आदि से आरती उतारें। पूजा स्वयं भी कर सकते हैं और किसी विद्यमान ब्राह्मण से भी करवा सकते हैं। इस दिन में योगिनी एकादशी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। इस दिन दान कर्म करना भी बहुत कल्याणकारी रहता है। पीपल के पेड़ की पूजा भी इस दिन अवश्य करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करना भी अवश्य चाहिए। इस दिन दुर्व्यसनों से भी दूर रहना चाहिए और सात्विक जीवन जीना चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।